believe in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को अभी इस समय में अभिवादन करता हूँ. My beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों. You are blessed. आप आशीषित हैं. You have been taken from one level of glory to another level of glory. आपको महिमा के एक स्तर से लेकर महिमा के अगले स्तर पर पहुंचाया गया है. One level of understanding to another level of understanding. समझ के एक स्तर से उठाकर आपको समझ के ऊंचे स्तर पर रखा गया है. You are taken higher and higher and higher. आपको ऊंचे और ऊंचे और ऊंचाई पर ले जाया गया है, ऊंचे पर उठाया गया है. Because God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है. You are very precious before God. आप परमेश्वर के सामने बहुत ही अनमोल हैं. Your life is so precious. आपका जीवन बहुत ही अनमोल है. You are powerful person. आप एक सामर्थ्य व्यक्ति हैं. You are not an ordinary person. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं. You are very very high. आप बहुत ही ऊंचे व्यक्ति हैं. But people are not aware of it. लेकिन लोग इस बात के बारे में अनजान हैं. You must know that. आपको इसे जानना होगा. That you know through the word of God. और हम इसे वचन के द्वारा जानेंगे. When you meditate this word, जब आप इस वचन पर मनन करते हैं, about ourselves. तब आप अपने बारे में जानेंगे. We will know about our life. हम अपने जीवन के बारे में जानेंगे. We know about our importance. हम अपने महत्व के बारे में जानेंगे. We know about God Almighty. हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में जानेंगे. We will know about who is Jesus Christ. हम जानेंगे कि ये यीशु मसीह कौन है. We will know what purpose Jesus came here. हम ये जानेंगे कि यीशु किस उद्देश्य से यहाँ पर आया था. We also know about the enemy. और हम शत्रु के बारे में भी जानेंगे. In the last episode. पिछले एपिसोड में. I was just speaking a little bit of him. मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा था. I want to continue who is that person. मैं आगे बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति कौन है. Number one. Number eight. His name is Lucifer. उसका नाम है लूसीफर. Don't substitute this name with any other name. आप इस नाम की जगह और कोई दूसरा नाम मत लेकर आइए. Don't substitute this name. Lucifer means Lucifer. इस नाम की जगह और कुछ मत रखिए. लूसीफर का मतलब लूसीफर ही है. There is no need to call him by the meaning of that name. और उसके नाम के अर्थ के द्वारा उसे पुकारने की जरूरत नहीं. उसका नाम लूसीफर है. God has made him. परमेश्वर ने उसे बनाया था. He made him full of wisdom. उसने उसे बुद्धि से परिपूर्ण बनाया था. Perfect beauty. बिल्कुल वो सिद्ध सुंदरता में था. He has been built in him with so many musical instruments. और उसके साथ में उसके बहुत से संगीत के वाद्य उसके साथ बनाए गए थे. He was covered with nine navaratnas. और वो तो नवरत्नों से ढाका हुआ था. These all the ratnas were set with the gold. और ये सारे रत्न उसमें सोने के द्वारा लगाए गए थे. इस तरह से बाइबल बताती है. He was there in the garden of Eden, garden of God. वो परमेश्वर की वाटिका में था. He was there in the garden of God. वो तो परमेश्वर की वाटिका में था. He was standing before God. वो परमेश्वर के सामने खड़ा था. Walking upon a walking on the fire. और वो तो आग पर चला करता था. My beloved God anointed him. मेरे प्यारे लोगों परमेश्वर ने उसे अभिषेक दिया था. He has made him to be a worship leader. उसने उसे आराधना का अगवा बनाया था. To worship before God. कि प्रभु के सामने आराधना करे. He was so perfect. वो इतना सिद्ध व्यक्ति था. Till God found iniquity in him. जब तक कि परमेश्वर ने उसके अंदर कोई गलती या दोष नहीं पाया. He was so perfect. वो इतना सिद्ध था. But बिल्कुल सही था. One day, लेकिन एक दिन something happened within him. उसके अंदर में कुछ न कुछ हो गया. These are all written in Ezekiel chapter 28 verse 12 onwards. You read it, you will find about him. यहजकेल अध्याय 28 वचन 12 से आगे इसके बारे में लिखा है. अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आप इसे वहां पर पा सकते हैं. God found in him. परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ देखा. Iniquity. उसने दोष देखा, अधर्म देखा. Sin. पाप देखा. What is that sin? ये पाप क्या है? It is written in Isaiah chapter 14. यशा अध्याय 14 में लिखा है. We read from 12 onwards. हम वचन 12 से आगे पढ़ेंगे. It says like that. ये इस तरह से कहता है. How you have fallen from heaven, O Lucifer. हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है. How you have fallen. तू कैसे गिर पड़ा है. How you have fallen from heaven. तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है. Because he said in his heart. क्योंकि तू मन में कहता तो था. I will ascend into heaven. कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा.
I will sit above the throne of God. मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा. I will be the most high. और मैं सर्वोच्च परमेश्वर बन जाऊंगा. I will be God. मैं परमेश्वर हो जाऊंगा. This thought came in his heart. ये जो विचार है, ये विचार उसके दिल में आया. Thought came. एक विचार आया. When he was standing before God and worshiping God. जब वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर आराधना कर रहा था. Thought came, one day I will become God. तो एक दिन विचार आया कि मैं एक दिन परमेश्वर हो जाऊंगा. Oh God. हे परमेश्वर. I will throw you down. मैं तुझे नीचे गिरा दूंगा. I will come and sit there. और मैं आकर वहाँ पर विराजमान हो जाऊंगा. This thought came. ये विचार आया. God did. तो परमेश्वर ने क्या किया? Threw him down. उसने उसे नीचे फेंक दिया. Threw him from the presence. उसने उसे अपने सामने से फेंक दिया. Threw him out. He threw him out. उसे दूर फेंक दिया. My beloved fallen. और फिर वो गिर गया. My beloved. मेरे प्यारे लोगों. That time something happened in heavens. और उस समय स्वर्ग में कुछ तो भी हो गया. A great commotion would have taken place. वहाँ पर एक बहुत बड़ा काम किया गया. What is the commotion? और ये काम क्या था? The commotion was like this. और ये काम तो इस तरह से था. He was the worship leader. वो तो आराधना का अगवा था. He along with him more than one third of the angels of heaven. और उसके साथ में एक तिहाई स्वर्गदूत जो वहाँ पर स्वर्ग में उसके साथ में थे, वो उसके साथ निकाले गए, वो उसके साथ गिराए गए. Because क्योंकि इन हेवन स्वर्ग में थ्री हेड एंजल्स वर देयर. वहाँ पर तीन प्रधान दूत थे. वन इज माइकल, उनमें से एक है मिकाएल. अनदर इज गब्रियल, और दूसरा जो है वो है जिब्राइल. अनदर इज लूसिफर, और तीसरा था लूसिफर. दीस आर ऑल अनॉइंटेड केरूब, और ये सब अभिषिक्त ऐसे करूब थे, अभिषिक्त ऐसे स्वर्गदूत थे. सो दे हैव मिलियंस ऑफ एंजल्स, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड. यानी वहाँ पर कहिए लाखों ऐसे स्वर्गदूत थे, उनमें से एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई ऐसे समूह में बढ़ गए थे. लूसिफर आल्सो हैज वन थर्ड ऑफ एंजल्स विद हिम, और लूसिफर के पास में उसके साथ एक तिहाई स्वर्गदूत थे. Their duty to worship God. और उनका काम था परमेश्वर की आराधना करना. Lucifer was the worship leader. लूसिफर आराधना का अगवा हुआ करता था. The moment the thought came, he did sin against God. जिस पल उसके मन में ये विचार आया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया. उसने परमेश्वर के विरुद्ध में ये पाप किया. God threw him down. परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया. Then all the angels with him. उसके साथ के सारे स्वर्गदूत नीचे गिराए गए. They asked a question. उन्होंने सवाल पूछा. Hey, what happened? अरे क्या हो गया है? What? Why God has done like this? क्यों परमेश्वर ने इस तरह से किया है? What happened? क्या हुआ है? Then I don't know what conversation he has given to the other angels, those who are there with him. मुझे पता नहीं कि उसके साथ में जो दूसरे स्वर्गदूत थे, उनसे उसने क्या कहा होगा. He met us because he said he met us told some lies. शायद हो सकता है उसने वहाँ पर झूठ कहा. Then all the angels said. और सारे स्वर्गदूतों ने कहा. We also will come with you. हम भी तेरे साथ में आएंगे. So like that, one third of the angels have fallen from him, along with him, pulled down. और इस तरह से एक तिहाई स्वर्गदूत जो थे, वो तो उसके साथ में नीचे गिराए गए. God threw him down. परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया. He did something. उसने कुछ किया था. Second Peter chapter 2 verse 4 says. दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 4 ये कहता है. We'll read that word. हम इसे यहाँ पर पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 4 में. We must know all these things. हमें इन सारी बातों को जानना होगा. Second Peter chapter 2 4. दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 4. क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया the नहीं God did not spare the angels who sinned, पर नरक में भेजकर cast them down to hell, अंधेरे कुंडों में डाल दिया, delivered them into the chains of darkness, ताकि न्याय के दिन तक बंदी to be रहे. reserved for judgment. ये वचन कहता है क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें. इस तरह से वचन हमें बताता है. जूड वर्स 6 सेज, यहूदा वचन 6 ये कहता है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास छोड़ दिया, who did not keep their proper domain, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, left their own abode, उसने उनको भी उस भीषण you has reserved in दिन के न्याय के लिए everlasting chain, अंधकार में जो सदा under darkness काल के लिए है, बंधनों में रखा है.
जजमेंट ऑफ द ग्रेट डे, ये उस महान दिन का न्याय है। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदाकाल के लिए है, बंधनों में रखा है। इस तरह से ये बताता है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, please understand, आप इसे समझ लीजिए। God has put him a chain, परमेश्वर ने उसे बांध कर रखा हुआ है। And he and all the angels, और सारे स्वर्गदूत भी, the Lucifer, ये लूसीफर, and his team, और उसकी पूरी टीम, they have fallen, वो गिरा दी गए। God threw him down, परमेश्वर ने उन्हें नीचे फेंका, and he chained him, और उन्हें बांध कर रख दिया, उन्हें बंदी बनाया है, for he reserved him for judgment, और न्याय के दिन के लिए निश्चित कर रखा है। Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Are you following? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? This is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। It is all written in the Bible. ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। God has spoken to us. परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। It is written and given to us. ये तो लिखकर हमें दिया गया है। So that we should not live here in ignorance. कि हम यहाँ पर ऐसे अनजान होने में अपना जीवन न बिताएं। So that no one should cheat you. इसलिए कि कोई आपको धोखा देने न पाए। No one should deceive you. और इसलिए कि कोई भी आपको भरमाने न पाए। And you have to be wise. आपको बुद्धिमान होना होगा। You have to understand him. आपको उसे समझना होगा। Strategies of the enemy. शत्रु की जो कार्य नीति है जानना होगा। My beloved. मेरे प्यारे लोगों। Who is this man? This person. ये व्यक्ति, he became the enemy of God. ये परमेश्वर का शत्रु हो गया। God has threw him down, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। He reserved him in judgment, और उसे न्याय के दिन के लिए रखा है। Chained him, उसे बांध कर रखा है। In darkness, अंधकार में उसे रखा है। Are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? My beloved, मेरे प्यारे लोगों, Genesis chapter 2 verse 16 and 17. उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 16 और 17 कहता है, we'll hear this word. हम इस वचन को पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, the Lord God commanded the man, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, every tree of the garden, तू उसे खा सकता है, you may freely eat, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, the tree of knowledge of evil, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, the day you eat a fig, उसी दिन अवश्य मर जाएगा, you shall surely die. ये वचन इस तरह से कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इस तरह से परमेश्वर ने आदम को यहाँ पर चिताया था। There is a question today for the people. अब यहाँ पर लोगों के लिए आज एक सवाल आता है। Why God kept only one tree not to eat? क्यों परमेश्वर ने केवल एक पेड़ के फल को नहीं खाने के लिए कहा था? God has made the first man in his own image and his likeness. And he has given all authority into the hand of the first man. परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उसके हाथों में, यानी पहले मनुष्य के हाथों में सारा अधिकार और सामर्थ्य दे दी। His name Adam. और उसका नाम था आदम। Adam was not ordinary person. आदम कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। The Bible says Luke 3:38 says. लूका अध्याय 3 वचन 38 में बाइबल ये कहती है। We'll hear the word who is Adam. हम यहाँ पर सुनेंगे कि ये आदम कौन था। Luke 3:38. लूका अध्याय 3 वचन 38. वो एनोश का, the son of Enosh, और वो शेत का, the son of Shet, और वो आदम का, the son of Adam, और वो परमेश्वर का पुत्र था। ये वचन कहता है वो एनोश का और वो शेत का और वो आदम का और वो परमेश्वर का पुत्र था। ये बताता है कि आदम जो है वो तो परमेश्वर का पुत्र था। Adam was the son of God. आदम परमेश्वर का पुत्र था। प्लीज नोट डाउन, इस पर ध्यान दीजिए। अंडरस्टैंड, इसे समझ लीजिए। Adam was son of God. आदम परमेश्वर का पुत्र था, यहाँ पर ये वचन बताता है। Are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Who is that son of God? ये परमेश्वर का पुत्र कौन है? Who is son of God? परमेश्वर का पुत्र कौन है? Adam. यहाँ पर आदम बताया गया है, वो परमेश्वर का पुत्र। Adam. आदम son of God. परमेश्वर का पुत्र है। When we see Adam, जब हम आदम को देखते हैं, you may see him in a body, तो आप शायद उसे शरीर में देखते हैं, but he is there in the body, लेकिन वो तो शरीर में है। The person who is in the body, जो व्यक्ति उसके शरीर में है, Adam,
आदम सन ऑफ गॉड परमेश्वर का पुत्र है. हाउ गॉड मेड हिम परमेश्वर ने उसे कैसे बनाया. ही टुक मड उसने मिट्टी ली. ही मेड ही फॉर्मड अ बॉडी और उसने उसके लिए एक देह बनाई. जस्ट लाइक गॉड बिल्कुल परमेश्वर के जैसी ही. ए हेड मड हेड और उसने मिट्टी का सिर बनाया. मड बॉडी मिट्टी का शरीर बनाया. मड हैंड मिट्टी के हाथ बनाए. मड लेग मिट्टी के पैर बनाए. मड आईज मिट्टी की आंखें बनाई. मड ईयर मिट्टी के कान. जस्ट लाइक गॉड बिल्कुल परमेश्वर के जैसे. हाउ गॉड लुक्स एग्जैक्टली ही मेड अ मड बॉडी जैसे परमेश्वर दिखता है बिल्कुल वैसे उसने उस मिट्टी का शरीर बनाया. देन और फिर गॉड ब्रीथ फ्रॉम द मड बॉडी परमेश्वर ने उस मिट्टी की देह में श्वास फूकी. उसमें उसने अपनी श्वास फूकी. देन गॉड आई विल से लाइक दिस गॉड गेव बर्थ टू हिज सन इन द बॉडी और हम इस तरह से कह सकते हैं कि उस समय परमेश्वर ने यहां पर अपने पुत्र को जन्म दिया. ही गेव बर्थ उसने जन्माया एडम आदम को. ही बिकेम अ लिविंग बीइंग और आदम उस तरह से जीवित प्राणी बन गया. दैट इज व्हाई और इसीलिए More valuable than anything in the world. वो तो इस संसार में बाकी सारी बातों से बहुत ही ज्यादा कीमती है बहुत ही ज्यादा अनमोल है. That life. ये जो जीवन है. That life. ये जीवन. Is a person. ये तो एक व्यक्ति है. First person Adam. वो पहला व्यक्ति आदम. Son of God. परमेश्वर was there in the body. वो तो शरीर में था. We are all his generation. हम सब उसकी पीढ़ी हैं. All those who are born from Adam. हम जो आदम से जन्मे हैं. So the person who is within you. तो आप में जो व्यक्ति है. In the body. जो शरीर में है. Is very very precious. ये बहुत बहुत अनमोल है. God has given freedom to Adam, his son. God has given freedom to son. परमेश्वर ने अपने पुत्र आदम को पूरी आजादी दी है. That is why he said. और इसीलिए उसने कहा. There is one tree. बस एक पेड़ है. In the midst of the garden. जो कि वाटिका के बीच में है. Don't take fruit from it. उसके फल को तू नहीं खाना. You will surely die. नहीं तो तू अवश्य ही मर जाएगा. Why? क्यों? What is the reason? इसके पीछे कारण क्या है? Reason is this. इसके पीछे कारण तो बस यही है. On that particular tree. कि उस खास पेड़ से. God has chained this Lucifer and his team. कहिए कि परमेश्वर ने लूसीफर और कहिए कि उसके इस पूरी टीम को वहां पर बांध कर रखा था. He is chained there. उसने उसे बांधा था. In darkness. उस अंधकार में. For judgment. न्याय के दिन के लिए. For judgment. न्याय के लिए. Are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? That is why. और इसीलिए. God knows it. परमेश्वर ये जानता है. When God has threw him down. परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया. He should have some place. उसे कोई ना कोई जगह तो रखना था. In his creation. अपनी सृष्टि में. Which is that place? और वो जगह कौन सी थी? This is the only spot. यही तो वो एकमात्र जगह थी. That's why he kept separate. और इसलिए उसने उसे अलग रखा था. Told him. उसने उससे कहा. Don't eat it. उस पेड़ का फल तू कभी नहीं खाना. नहीं तो मर जाएगा. Because he knows. क्योंकि वो जानता था. The one who is tied there. कि वो जो वहाँ पर बांधा हुआ है. Full of wisdom. बुद्धि से भरा था. He is perfect in beauty. वो सुंदरता में सिद्ध था. Stood before him. वो उसके सामने खड़े रहता था. Full of wise. वो तो बुद्धि और युक्ति से भरा. Anointed one. अभिषिक्त है. God tied him for judgment. परमेश्वर ने उसे न्याय के लिए बांध कर रखा था. What happened? और फिर क्या हुआ? This person. ये व्यक्ति. Cheated him. उसने उसे धोखा दिया. He said. उसने कहा. You eat the fruit. तुम इस फल को खाओ. You will not die. तुम मरोगे नहीं. This Adam and his wife. आदम और उसकी पत्नी दोनों ने they took that. उस फल को लिया और खा लिया. They disobeyed God and obeyed him. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा भंग की और उस लूसीफर की बात मानी. Understand my beloved. मेरे प्यारे लोगों समझ लीजिए. A serpent came. सर्प आया. Because this person Lucifer. क्योंकि ये व्यक्ति लूसीफर. Taken the serpent and possessed him. लूसीफर ने मानो सर्प को पकड़ लिया था उसे जकड़ लिया था और वो मानो उसके अंदर समा चुका था. That means who spoke to this Eve and Adam? This serpent means Lucifer. यानी यहाँ पर हवा से किसने बातें की? सर्प ने यहाँ पर यानी लूसीफर ने उससे बातें की थी. उसने उसे बताया था. So he. तो वो. The moment the first man, the son of God, Adam obeyed him. जिस पल परमेश्वर के पुत्र यानी पहले आदम ने उसकी आज्ञा मानी उसकी बात मान ली. He said. उसने कहा नाउ यू ओबे मी अब तुम मेरी आज्ञा मानो
You belongs to me. तुम मेरे हो. All that you have is mine. और अब तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब मेरा है. So he took the man. तो उसने मनुष्य को लिया. Captive. और उसे बंधवाई में रखा. He took all the world into his hand. और पूरे संसार को अपने हाथ में कर लिया. He became God of this world. और वो इस संसार का ईश्वर बन बैठा. Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? So he took over. तो उसने उसे ले लिया. Main thing. मुख्य बात. He want to be God. वो तो परमेश्वर की जगह लेना चाहता था. Now he controlled the world. He became God. अब उसने संसार को ले लिया और वो ईश्वर बन बैठा. From that day, my beloved. और उस From दिन से, that day, उस दिन से Adam the son of God, आदम जो परमेश्वर का पुत्र है, the life of a man, मनुष्य का जीवन, precious life of man, मनुष्य का अनमोल जीवन, under the oppression, under the affliction of this enemy, जो कि इस शत्रु के द्वारा सताया जाता है और वो परेशान किया जाता है, that is where people are, और यहीं पर तो लोग हैं. Bible says because of one man, बाइबल कहती एक मनुष्य के कारण, sin came into him. पाप उसमें आ गया. Sin. पाप. Who is sin? ये पाप कौन sin है? Sin is a person. पाप एक व्यक्ति है. Lucifer. Lucifer. Man of sin. जो पाप का मनुष्य. Lawless one. जो व्यवस्थाहीन है. Lawless. जो कि जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है. Lawless person. जो कि व्यवस्थाहीन व्यक्ति है. No truth in him. उसमें कोई सच्चाई नहीं है. Liar. वो झूठा है. The sin. वो पाप है. That entered into the man. और ये पाप मनुष्य के अंदर आ गया. Because of he is controlling the world. क्योंकि now. वो संसार पर नियंत्रण कर रहा है. The whole world lies on the sway of the wicked one. और पूरा संसार उस दुष्ट के जाल में फंसा है. पूरा संसार उसके हाथ में पड़ा My है. Beloved, मेरे प्यारे लोगों, the word says, वचन ये कहता है, First John chapter 5:19, पहला यूहन्ना अध्याय 5:19 में, clearly it says like ये that. तो बहुत स्पष्ट रीति से बताता है. Listen this word. आइए इस वचन को सुनते हैं. पहला यूहन्ना 5:19, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं. We know we are of God. और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है. The whole world lies under the sway of the wicked one. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है. इस तरह से ये वचन हमें बताता है. Whole world. पूरा संसार. But God has given that rulership into the hand of man. लेकिन परमेश्वर ने ये सारा अधिकार तो मनुष्य के हाथ में दिया था. Now. लेकिन अब. By deceiving the man, the Lucifer took. In his hand. लेकिन मनुष्य यानी आदम को धोखा देने के द्वारा जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था उसे लूसीफर ने छीन लिया. He became God. और वो ईश्वर बन बैठा. And all the angels under him. और सारे जो दूत थे उसके वो उसकी अधीनता में थे वो अधिकारी बन गए. Anyway, I don't want to describe that. और मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ. Is that is what is ruling this world today. और यही तो आज इस सारे संसार पर राज्य करता है. Man is struggling under him. मनुष्य तो इन सारी बातों की कश्मकश में पड़ा Sickness, है. डिसीज अप्रेशन अफ्लिक्शन पेन सारो फेल्यूर डिफीट किलिंग वायलेंस हु इज डूइंग मनुष्य अभी बीमारी में रोग में पीड़ा में परेशानी में इन सारी बातों में पड़ा है दुख में है और यहां तक कि वो हत्या कर रहा है ये सब कुछ क्यों हो रहा है इट इज ही ये तो लूसीफर है एंड हिज एंजल्स और उसके दूत हैं दैट इज वेयर वी आर कॉट और यहीं पर तो हम फंस गए हैं दैट्स व्हाई द लाइफ इज इन डेंजरस सिचुएशन और इसलिए जीवन खतरनाक परिस्थिति में है माय बिलोवर मेरे प्यारे लोगों सो यू नीड सॉल्वेशन इसलिए आपको उद्धार की जरूरत है यू नीड अ डिलीवरेंस आपको छुटकारा चाहिए यू नीड अ सॉल्वेशन आपको उद्धार चाहिए यू नीड रिडेम्पशन आपको छुटकारे की जरूरत फ्रॉम दिस बॉन्डेज इस बंधन से फ्रॉम दिस मैन ऑफ सिन इस पाप के मनुष्यत्व में से That's why struggle. और इसलिए तो कश्मकश He is fooling the whole world. वो पूरे संसार को मूर्ख बना रहा है At the end, और फिर अंत में Who is it? You. यहाँ पर कौन है आप हैं Your life will perish. आपका जीवन जो है वो नाश हो जाएगा Along with him. उसके साथ में Along with him. उसके ही साथ में The moment if you go with him. जिस पल आप उसके साथ में जाते हैं Anybody who obey and follow and go with this enemy.
जब भी कोई इस शत्रु के पीछे जाता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, they all will go with him. तो वो सब उसी के साथ में चले जाएंगे. One day. एक दिन. Because God has already prepared a place for him. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उसके लिए वो जगह तैयार कर रखी है. I will tell you the place. मैं आपको वो जगह बताऊंगा. Matthew chapter 25 verse 41. मत्ती अध्याय 25 वचन 41 हमें यहाँ पर इस तरह से बताता है. My beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों. When God has threw him down. जब परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया. He also pulled all the angels along with him. वो अपने साथ में अपने स्वर्गदूतों को ले गया. God has prepared for him. परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करके रखा है. An eternal fire. अनंत काल की आग. For devil and his angels. शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए वो अनंत काल की आग तैयार करके रखी है. If you don't come out. अगर आप बाहर नहीं आएंगे. Don't know about your life. तो अपने जीवन के बारे में आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे. If you do not know who is the only, that's why his Bible says only through God. Knowing the only true God. And Jesus Christ is life eternal. और इसीलिए तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर को जाने, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और उसके पुत्र यीशु मसीह को जाने, यही अनंत जीवन है, यही तो सदाकाल का जीवन है. When you know Jesus, जब आप यीशु को जानेंगे, you'll be free. तब आप आजाद हो जाएंगे. You have life eternal. आपके पास अनंत जीवन. You will not perish. आप नाश नहीं होंगे. My beloved. मेरे प्यारे लोग. Are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Think of about your life. अपने जीवन के बारे में जरा सोचिए. Understand. आप इसे समझ लीजिए. Very important. ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है. It is your decision. यह आपका निर्णय है. It is your decision. यह आपका निर्णय है. Choice is yours. चुनाव तो आपका है. Whom do you want? आप किसे चाहते हैं? Do you want life? क्या आपको जीवन चाहिए? Or death? या फिर मृत्यु? Do you want heaven? क्या आपको स्वर्ग चाहिए? Or hell? या फिर नरक चाहिए? Do you want the God? क्या आपको परमेश्वर चाहिए? Or the devil? या फिर शैतान चाहिए? Decision factor is in you. चुनाव करने का काम तो अभी आपका है. Take a good decision. आप अच्छा निर्णय लीजिए. Right decision. सही निर्णय लीजिए. True decision. सच्चा निर्णय लीजिए. Know the truth. सच्चाई को जान ले. Return to God. और परमेश्वर के पास आइए. Take a decision. आप निर्णय लीजिए. God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा. God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करता है. My beloved. मेरे प्यारे लोगों. May the Lord help you. प्रभु आपकी मदद करे. Come out of this captivity. कि आप इन सारे बंधनों से बाहर आ जाएं. Through by faith in Christ. यीशु में विश्वास के द्वारा आप इन सारे बंधन से बाहर आ जाएं. God will give it to you. परमेश्वर ही आपको देगा. You are blessed, beloved. आप आशीषित हैं. आप आशीषित हैं. I feel within my heart. मैं अपने दिल में ये महसूस करता हूँ. All those who are listening. कि आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं. All those who are watching. आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं. You will not perish. आप नाश नहीं होंगे. You have life. आपके पास जीवन है. You will have life. आपके पास जीवन. You have life eternal. आपके पास अनंत जीवन होगा. You will not die. आप मरेंगे नहीं. In the name of Jesus, I say this. यीशु मसीह के नाम में मैं इसे कहता हूँ. We'll continue in the next session. अगले हफ्ते हम इसके बारे में आगे देखेंगे. May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे. Amen. Amen.